गाइस डब्ल्यूबी का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि क्राउन जूल जो कि काफी नजदीक आ चुका है, तो आइए देखते हैं अब तक के कितने मैच यहां पर ऑफिशियली कंफर्म हुए इस मैच के लिए। अब तक तो यहां पर देखा गया है कि डब्ल्यूबी यूजली क्या होता है कि 7 से 8 मैचेस को यहां पर कंफर्म करती है। गाइस इस बार के क्राउन जूल में भी आपको 7 से 8 मैचेस यहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म होते हुए दिखाई देने को मिलेगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं की कौन कौन सा मैच हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस बार के क्राउन जूल में। तो उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर रोज आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलता रहेगा चैनल पर। तो गाइस इस बार का जो क्राउन जूल मैच होगा ये होगा यहाँ पर 2 नवंबर को। अभी तक यहाँ पर कुछ ही दिन बचे हैं इस मैच को यहाँ पर होने में, और गाइस ये होगा यहाँ पर सऊदी अरबिया के रियाद में, जो कि हर बार देखने को मिलता है, तो इस बार भी वही होगा। उसके बाद नेक्स्ट इस बार के बैड ब्लड में यहाँ पर ट्रिपल एच ने 2 टाइटल को रिवील किया था, पहला यहाँ पर मेन्स के लिए, दूसरा वीमेन्स के लिए। ऐसे ही यहाँ पर 2 टाइटल को रिवील किया गया है, जो इस मैच में जीतेगा वही इस टाइटल को होल्ड करेगा। तो गाइस क्राउन जूल का सबसे पहला मैच जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पर कोडी रोड वर्सेस गुंथर के बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन। वैसे दोनों सुपरस्टार गुंथर और कोडी रोड अपने आप में एक काफी अच्छे रेसलर माने जाते हैं, और इनके यहाँ पर जो टाइटल रेंज था वो काफी बढ़िया है। इस बार के यहाँ पर रॉयल रंबल में जब कोडी रोड ने यहाँ पर एलिमिनेट किया था गुंथर से, तभी से इनके बीच यहाँ पर थोड़ा बहुत राइवलरी स्टार्ट हो गया था। जब यहाँ पर ट्रिपल एच अनाउंस करते हैं 2 टाइटल को, तो यहाँ से ये कन्फर्म हो जाता है की इनके बीच ही राइवलरी स्टार्ट होने को मिलेगा, तो ये मैच आपको कन्फर्म देखने को मिलने वाला है। उसके बाद दूसरा मैच होगा गाइस इस टाइटल के लिए यहाँ पर नाया जैक वर्सेस ले मॉर्गन के बीच, ये भी मैच यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन देखने को मिलेगा। तो कुछ समय पहले यहाँ पर ले मॉर्गन का जो राइवलरी चल रहा था वो रिया रिप्ली के साथ चल रहा था, पर यहाँ पर देखने को मिलेगा एक बार फिर से नाया जैक के साथ। तो देखने ये होगा कि आखिर इस मैच का विनर कौन बनता है, क्या यहाँ पर ले मॉर्गन होगी या फिर नाया जैक। उसके बाद नेक्स्ट अभी तीसरा मैच यहाँ पर इस बार के मंडे नाइट रॉ में यहाँ पर कन्फर्म हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियली, तो ये तीसरा मैच होगा यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिन के बीच। वैसे ये मैच इनको काफी आसानी से तो नहीं मिला, यहाँ पर जिस प्रकार सेथ रॉलिन ने रिटर्न करने के बाद सीधा ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक कर दिया, और उन्होंने दोनों फाइट इतना जोरों से किया कि यहाँ पर एडम स्पियर को इस मैच को कंफर्म करना पड़ा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर 4 पे मैच हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंज के बीच। ये टैग टीम मैच भी हो सकता है जहाँ रोमन के साथ होंगे जेमी उसो, उसके बाद यहाँ पर सोलो सिकोवा के साथ होंगे जैकोब फातू। पर लगता है कि गाइस इस मैच को कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा जहाँ सोलो सिकोवा और यहाँ पर रोमन आपस में फाइट करेंगे, और जो इस मैच का विनर होगा वही यहाँ पर रियल ट्राइबल चीफ कहलाएगा। हालांकि गाइस ये मैच यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, पर यहाँ पर काफी जल्दी ऑफिशियली कंफर्म होने वाला है। यहाँ पर रोमन के बिना कोई यहाँ पर इवेंट हो वो मजा ही नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगा है यहाँ पर जजमेंट डे के बीच। हाँ गाइस एक मैच और यहाँ पर हमें रिया रिप्ली वर्सेस यहाँ पर रॉकेल के बीच देखने को मिल सकता है जजमेंट डे की तरफ से। तो गाइस जब से यहाँ पर रॉकेल का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है, उन्होंने यहाँ पर ली मॉर्गन को काफी अच्छी तरह से बचाया यहाँ पर रिया रिप्ली से, तो गाइस इस मैच को भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है एक बार फिर से। उसके बाद गाइस नेक्स्ट और भी काफी सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले इस मैच में, हो सकता है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिले, हो सकता है यहाँ पर चार्ल्स प्लेयर का भी रिटर्न देखने को मिले। तो काफी कुछ देखने को मिलेगा इस बार के प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि क्राउन जूल में।